हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू एमटी राजा व्लॉग्स। और जैसे कि आपने डे वन डे टू का देखा था वाइजाग और विशाखापट्टनम, और ये वहाँ से विशाखापट्टनम टू ओडिशा था, यानी कि अपने हैदराबाद से अपने घर से ओडिशा पुरी जगन्नाथपुरी 1000 किलोमीटर की रहेगा अपनों को, पूरा राउंड फिगर 1000 किलोमीटर। सो हम लोग टू व्हीलर गए, 4x4 नहीं गए, 2x2 गए। सो 2x2 जाने से मैंने पूरा मैप चेक नहीं किया था, तो पूरा पास पहुँचने के बाद 80 किलोमीटर पहुँचने के बाद तो 5 किलोमीटर पानी में ट्रैवल करना आता, तो अपनी बाइक को नाव के ऊपर चढ़ा के लेके जाना था। तो मैंने नहीं देख लिया था, बाइक का रूट ही मारा, बाइक का रूट से गए, पूरा ट्रैवल करें, पूरा नाइट पूरा ट्रैवल करें, इवनिंग से लेके पूरा नाइट तक ट्रैवलिंग करें। लगभग 2 बजे नज़दीक नज़दीक 2:30 हो रहे थे जब हम लोग पहुँचे थे पूरी के बापानीपुर पहुँचे थे। बापानीपुर से हम लोग को 5 किलोमीटर समुद्र में ट्रैवल, ओशन में ट्रैवल करके सटपड़ा विलेज पहुँचना था। वहाँ से अपने को पूरी 70 किलोमीटर पड़ता था। सो नाइट के 2 बज गए तो हम लोग वहीं जहाँ टी स्टॉल लगाते जैसा बस स्टॉप की टाइप रहा वहाँ गाँव में बापानीपुर में, तो वहाँ हम लोग थोड़ी देर से 1 घंटा सोने के बाद लगभग 3 बजे नावी वाला आया, जो वहाँ नाव सभी के नाव रहते हैं, तो ये नाव वाला आ गया था सुबह सुबह 3 बजे, यानी कि उस पार इस पार कोई भी रात में जाने वाले रहते। तो एक्चुअली दिन में जाने से 50-50, 150 रुपये होता था, तो उसने हमारे इतना रात में आया तो उसके लिए हम लोगों ने 600 दे दिया। तो हम लोगों ने कैसा किया, पूरी जगन्नाथ और वहाँ से बीच गए, बीच में अच्छा लगा मेरे को, बीच में पूजा देखा यार पहली बार। सब लोग गोवा जाते हैं बीच पर इंजॉय करते हैं, ये भी गोल्डन बीच काफ़ी मस्त है, हाईलाइट है बीच। और यहाँ भी इवनिंग टाइम पास में मंदिर है, वहाँ मंदिर से पुजारी लोग आएंगे पूजा करेंगे कृष्ण जी के लिए और वापस चले जाएंगे आरती करके। ये सब देखना, मिस नहीं करना, क्या क्या करें पूरा देखना। चलो लेट के बिना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैप में दिखा लेता हूँ आपको ओडिशा के कॉर्नर के, जो बापनपुर से हम लोग सटपड़ा कैसे गए थे। तो चलते हैं भुवनेश्वरपुरी, ये रहे, यहाँ से देखो बापनपुरी पाराला दिख रहा है ना जानीकुड़ा। यहाँ से 5 किलोमीटर्स अपने को नाव था, यहाँ से ये वाला नहीं और आगे वाला सटपड़ा, हाँ सटपड़ा यहाँ उतरे हम लोग। और आप लोग अगर गए तो रात के टाइम गए तो हाईवे से जाना, ये रास्ता मत चुनना, मैप चेक कर लेना ठीक है। हम लोग ने मैंने मैप चेक नहीं किया था, मिस्टेक करी थी। आप लोग ऐसा घूम कर आना अगर पूरी जा रहे हैं तो, अगर दिन में जा रहे हैं तो ये रास्ता चूज़ करना, अच्छा है, मज़ा आएगा। असल हम जाते गाड़ी, इसमें आता गाड़ी, गाड़ी हाँ उधर लाना, हाँ वहां से शायद ठंड बहुत है, कुछ भी नहीं दिख रहा था। We'll be right back.
अंकल को पता नहीं कैसे दिख गया रास्ता। ढकल पीछे ढकल ठीक है सीधा सीधा पछे चकटा एक बजे वहाँ पहुँचे थे, पूरा दो घंटे सो गए। 3 बजे बाद अंकल आए, अंकल ने वहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर वहाँ से आने के लिए 5 किलोमीटर आपने जैसे कि देखा वहाँ से वो ट्रोल करके लाए 5 किलोमीटर टोटल वहाँ से यहाँ तक। अब सीधा चलते हैं जगन्नाथपुरी। चलो तो फाइनली 1001 किलोमीटर कंप्लीट हो गए अपने पैंथर के साथ। देख सकते हैं आप पीछे टेम्पल दिख रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है लुक पीछे से लुक। चलो अब फ्रेश होके दर्शन करते हैं अब सीधा और फोटोशूट करेंगे और क्या है टेम्पल की महिमा सब जानेंगे। अपन जानने के बाद मैं आपको बताऊँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जगन्नाथ धाम के व्यू देखो। मॉर्निंग और नाइट में जहाँ रुके थे वहीं प्लॉट दिखाता, यही बुक कर लिए। अच्छा है ना बालकनी का व्यू। यमा शोरूम है, बैनर लगा रहे हैं, नवा शोरूम है तो सर्विस जा रही है अपनी गाड़ी। मैंने पैदल चले जाएगा। सर्विस से यहाँ का खाना काफ़ी मोटा यार। चलो गाड़ी तो सर्विस हो गई और यहाँ टेम्पल के बाद जैसे कि दर्शन से निकलते वहीं खाना प्रसाद की तरह 100 रुपये प्लेट रहेगी, वही खाना सिर्फ, ठीक है। यहाँ का अच्छा नहीं रहता। नहीं फ्रेश हो गया अपन तो गाड़ी के सर्विसिंग के लिए लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया, बहुत मोटा खर्चा हो गया गाड़ी का। यहाँ देख सकते हैं जगन्नाथ धाम तीर्थपुरी, अब दर्शन को जाएंगे। और गाड़ी का चेन किट भी गया, फिर से वापस जाके चेन किट डलाना पड़ता, चेन किट डला के सीधा यहाँ से निकलेंगे। चलो पहले दर्शन करते हैं जगन्नाथ के। जय जगन्नाथ। तो ये बालकनी व्यू है, बालकनी व्यू पाँच गोपुरमा है लाइन से, तरफ तो बहुत है, मस्त दिख रहा है ना मंदिर एकदम, वहाँ पे झंडा सब अच्छा। चलो अब जाके पता नहीं कितने देर घंटे लगेंगे, पब्लिक तो बहुत है, बहुत पूरा दर्शन 3-4 घंटे तो पक्का लगते हैं। चलो दर्शन के बाद तो हम लोग सीधा दर्शन के बाद सीधा बीच पे आ जाते हैं, गोल्डन बीच, पूरी बीच। यहीं पूजा होती है कृष्ण जी की, लकड़ी आने की पूजा इधर ही होती है। तो यहाँ पूरा इवनिंग तक या नाइट तक यहीं रहते हैं आप, पूरा नाइट यहीं देखना है। नाइट का व्यू भी देखो आप, अच्छा रहता है। पक्षी आ रहे हैं, कितनी भरी पड़ी है बीच। हाय 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 ह
इसमें तो फैमिली जैसे देख सकते हैं आप, बीच में आ गए अपन गोल्डन बीच, पूरी बीच है, पूरी भी लहर देख सकते हैं कितना मस्त आ रही। और इधर जेट भी है, अपन चाहे तो जेट भी ले सकते हैं मजे में, लेकिन अभी नाइट हो गया, जेट क्या लेंगे। और दोस्तों के साथ आए तो मज़ा कुछ अलग है यार, हाँ दिल को सुकून मिल रहा है, पूरी जगन्नाथ के दर्शन भी हो गए, साथ में बीच के भी मज़े, लहर देख रहे हैं आप कैसा है। अभी तक सनसेट था, मैं फोटो कर रहा जब सनसेट था, सनसेट चले गया, और बीच कैसा लगा बताना। चलो मैं थोड़ी देर इंजॉय कर लूँ, फिर नाइट हो जाएगी, फिर नाइट। तो यहाँ मटका चाय पियेंगे, सिटोन है, पूरी है, सब मिक्स है, सब मिल रहा है इधर, यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर अच्छी है, घोड़ा है, ऊँट सवारी सब है। आर के बीच से तो बेस्ट बीच है उड़ीसा का, पूरी बीच, और इसका नाम है गोल्डन बीच, अच्छा है ना बीच। बीच के पास इसलिए पूजा हो रही है कि जब जगन्नाथ मंदिर बनी थी तब हर 12 महीने में एक बार मूर्तियां चेंज कर रहे थे, वो मूर्तियां लकड़ी की थी, सो वो मूर्तियां पंडित लोग इसी समुद्र में जाके लकड़ियां ला के बनाते थे, इसीलिए परंपरा को अपना आचार है, इसीलिए अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम और पूरी पूरी बीच कंप्लीट होते हुए सीधा घर को, अब देखो अपन पीछे लगाए शायद अपन ने यानी लगाए, तो जाते हुए मजे में बीच सीधा घर पे जाएंगे, और सीधा ही सीधा दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ मैं माना, लेकिन जाएंगे सीधा घर को, यहाँ से 1000 किलोमीटर सीधा है। जगन्नाथ धाम पूरा कंप्लीट होते हुए जय जगन्नाथ। चलो चलते हैं घर को अब।